जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? तो वी आर लाइव। मैंने कहा था कि एवरी थर्सडे जो है वो मैं लाइव आया करूंगा और हम जो है वो डिस्कस करेंगे मार्केट की जो सिचुएशन है उस वक्त क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग। और विकास भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग वीडियो। और कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं बीटीसी पर ही। बीटीसी की जो प्राइस एक्शन है उसका, उस पर जरा बात करते हैं कि बीटीसी जो है वो काफी ज्यादा लोग समझ रहे हैं कि बेरिश ट्रेंड है। और कुछ अरसा तक मैं भी ये सोचता था, लेकिन देर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि मैंने रिसर्च की, देखा उसको, और वो ये था कि इट्स इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन स्टॉक मार्केट। जैसे ही हमने देखा था कि कुछ अनाउंसमेंट आने वाली थी कि जी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने वाला है, उसी की एंटिसिपेशन में जो है पूरी की पूरी मार्केट जो है वो डाउन हुई, जो स्टॉक मार्केट है। जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट नीचे आई, और उसके बाद हमने देखा कि एक डाउन ट्रेंड जो है बीटीसी पर आया, क्योंकि ये सारा इंटरलिंक्ड है। जो NASDAQ 100 है, बिकॉज NASDAQ जो 100 है वो टेक स्टॉक है, तो उसी पर ही सारी जो है वो सारी बेस हो रही थी मार्केट। मैंने दिसंबर में कहा था कि यू नीड टू टेक योर प्रॉफिट्स, और मैंने काफी सारे जो है वो तकरीबन 70% मैंने जो है वो निकाल लिया था जो मैंने इन्वेस्ट किया था। बाकी प्रॉफिट मैंने रहने दिया था, तो क्योंकि मुझे था शायद वी विल गो बिग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो हम केम बैक और एक डाउन ट्रेंड आया, और काफी लंबा अभी चल रहा है। 3-4 महीने हो गए हैं कि इस डाउन ट्रेंड से वो बीटीसी निकल नहीं रहा। उसकी वजह मेरे ख्याल से तो NASDAQ 100 इज नॉट स्टेबलाइज्ड, और जैसे जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होती तो हम इसी तरह इसको डाउन ट्रेंड देखेंगे। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आपको पता चलेगा बीटीसी जो है वो जब भी नीचे गिरता था तो हमेशा एक विक आती थी, लंबी सारी विक। फॉर एग्जाम्पल 40 पे गया है और फिर ऊपर आ गया 46 पर, फिर जो है वो 38 पे था तो वो 32 पर गया है, फिर वापस 35 या 36 पर आ जाता था। सो यू विल सी लाइक अ बिग विक, बड़ी तेजी से ड्रॉप होती थी मार्केट और फिर ऊपर आ जाती थी। ऐसा देखने में नहीं आया। जो अभी का जो ट्रेंड था वो ये था कि स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आना शुरू हुई, आती 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 वो बहुत नीचे जो है वो आई, लेकिन आपने कोई बड़ी विक नहीं देखी, कोई बड़ा शेकआउट नहीं देखा। जो इसी वजह से लोग कह रहे थे कि ये जो मार्केट है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो जो पुराना पैटर्न था बीटीसी का वो उसको फॉलो नहीं कर रही थी, ये इट वाज कम्प्लीटली अपोजिट, और उसको जो है वो फॉलो कर रही थी नेस्डेक को। नेस्डेक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई उसी को देखते, क्योंकि ये दे आर कपल्ड, कपल्ड मीन्स लाइक दे आर, अगर वो गिरती है तो बिटकॉइन नीचे गिरेगा, अगर नेस्डेक ऊपर जाती है तो वो जो है वो उसको बीटीसी भी ऊपर जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस था जो मैंने सर्च की, जो मैंने इंटरलिंक देखा, इसलिए मैंने काफी सारी जो मेरी लास्ट वीडियोस हैं वो सारी की सारी इसी चीज पर हैं। अगर हमें जो है वो नेस्डेक में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो है वो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और एक अच्छा बुल रन देखेंगे। अब इस पे दो थेरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि सारी दुनिया ही जो है ना वो ये सवाल जरा थोड़ी देर बाद पूछिएगा गुरबीर चौहान, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये जो मार्केट थी जो ऊपर, जो दो दो सिनेरियोज हैं, एक तो ये कि सारा हर बंदा जो है वो कह रहा है कि इस अ बेरिश ट्रेंड, और बेरिश ट्रेंड है तो उसमें करना क्या है आपने, कि आपने जस्ट वेट करना है और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। डोंट सेल योर योर डोंट सेल योर क्रिप्टोस इन लॉस, नेवर एवर सेल योर क्रिप्टोस इन लॉस। लास्ट ईयर मार्च में एंटर हुआ था 70% डाउन, अभी तक प्रॉफिट नहीं बना। आई डोंट नो विच कॉइन यू बॉट, बट लाइक अगेन, अच्छा बात करते हैं, मैं दो सिनेरियोस आपको बता दूं फिर बात करेंगे आपसे, आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। दो सिनेरियोस ये हैं कि एक तो ये है कि इस बेरिश ट्रेंड 200 MA से हम नीचे चले गए हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ अ बेरिश सिग्नल,
लेकिन मुझे लगता है कि अभी बिटकॉइन कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी एनालिटिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ नैस्डैक को न्यूज पे बेस्ड जो है वो कर रहा है, उसपे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद जितने मर्जी आप टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा लें वो कोई काम नहीं करेगा। और मुझे भी लगता ही है कि ये दिस इज द थिंग। अब दूसरा सिनेरियो ये है, वो चमाथ का सिनेरियो है। मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ, उसमें ये था कि अगर देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास पैसा है और वो पैसा उसने निकाल लिया है मार्केट से, उसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, तो वो इन्वेस्टर है। हमेशा याद रखें, उस इन्वेस्टर का काम है कि उसने पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। नाउ वो देखेगा मार्केट कितनी करेक्ट हो गई है, और जैसे ही उसे सिग्नल मिलेगा कि यार ये सारे जो न्यूज है वो सारा कुछ लेवल अप हो चुका है, देन ही विल स्टार्ट पंपिंग द मनी, देन यू विल सी अ बिग जंप, और बहुत ज्यादा जो है वो जंप आप देखेंगे। दैट्स व्हाट ही सेड एंड आई काइंड ऑफ बिलीव इट, बिकॉज आई थिंक ये जो जो इंटरेस्ट रेट हाइक है, अगर वो देखें जिस पर सारी दुनिया जो इस वक्त कह रही है कि हम रिसेशन में जा रहे हैं, या हम जो है वो बहुत ज्यादा मीन्स के बुरे हालात होने वाले हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो जो बात है, मुझे थोड़ी लगती है कि लोग जो है इन्वेस्टर हमेशा अपना पैसा लगाता है, उसके पास बैंक में अगर पड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। सो दैट इज द सेकंड सिनेरियो। तीसरी चीज जो है मुझे जो लगती है कि जो मार्च और फरवरी का महीना होता है, यूजुअली ये बड़े बुलिश मंथ है। इसके बाद आप देखें, लास्ट ईयर भी आप देखें तो एक डिप आया था जनवरी में, और फिर उसके बाद से आपने देखा कि एक बहुत बड़ा बुल रन आया, और जो जो मई तक रहा, और फिर मई के बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो दोबारा करेक्ट होना शुरू हुई, और फिर हम दोबारा 29,000 पर आए। अभी मुझे लगता है वी हैव द बॉटम डन, बॉटम हो चुका है। नाउ नेस्डेक पे डिपेंड करता है कि नेस्डेक जैसे ही ऊपर जाएगी वी विल सी कंटिन्यूएशन ऑफ बुल रन। अब ये कब होगा, दिस इज वेरी हार्ड टू से, लेकिन लेकिन मेरा मेरा मानना ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इट विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नेक्स्ट वन नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट 1 वीक आई थिंक। तो अगर अभी आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं या जो भी आप बाय कर रहे हैं, एक चीज हमेशा याद रखें कि अच्छे कॉइन्स जो हैं वो बाय करें, क्योंकि अभी मार्केट की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसपे आप जो है वो छोटे कॉइन्स पर या जो कॉइन्स अभी नए रिलीज हुए हैं उस पर बेट करें। सो फॉर मी आई थिंक इट्स बेटर टू बाय जो है बड़े कॉइन्स। मैंने लिस्ट भी दी थी जिसमें मैंने सारे बड़े कॉइन्स जो है जो कि मुझे लगता है कि दे आर वेरी बुलिश, वो मैंने दी थी। यूट्यूब पर भी है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं और देखें तो आपको वो मिल जाएगी। इसके अलावा और बड़ी जो न्यूज है वो ये है कि फेसबुक ने अपनी अर्निंग शो की है, और फेसबुक ने तकरीबन 22% जो है वो मार्केट में गिरा है, उसकी प्राइस गिरी है। उसके अलावा गूगल की अर्निंग जो है वो बड़ी अच्छी आई है, और उन्होंने कहा जी उनकी जो स्प्लिट है, यानी कि जो उनका एक शेयर है वो उसको डिवाइड करेंगे 20 पर, तो इस हवाले से जो है वो आपके एक शेयर के 20 शेयर्स बन जाएंगे, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब क्यों फेसबुक की जो है अर्निंग कम कम हुई है और गूगल की बड़ी है, गूगल हमेशा जो है वो अगर आप देखें तो गूगल जो है वो काम करता है अपने सर्च इंजन पर, और सर्च इंजन पर जितने भी उनके एडवर्ड्स हैं वो वहां से पैसे कमाता था, कभी बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, लेकिन अब उतना वो पैसा नहीं कमाता था पिछले कुछ अरसे से। लेकिन हुआ यह है कि फेसबुक जो कि आपको पता है कि आपका डेटा हार्वेस्ट करता था, डेटा आपका निकालता था, आपको डिफरेंट एड्स दिखाता था कि आप अगर किसी वेबसाइट पे गए हैं तो आपने जनाब वो उस वेबसाइट का आपने देखा कि कौन सी वेबसाइट पर आप गए हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, और इस वजह से आपको वो डेटा हार्वेस्ट करता था, फिर आपको उस तरह के एडवर्ट्स जो है वो दिखाता था। इसी वजह से जो ट्रंप का इलेक्शन था उस पर क्रिटिसाइज हुआ था फेसबुक के, उसने जो है जो कंपेन्स चलती थी वो बहुत ज्यादा जो है वो रिपब्लिकन्स के जो वोटर्स थे उनको देख कर जो है वो दिखाया जाता था। तो इस वजह से उसके बाद इस वजह से फेसबुक की जो थी उड़ान बहुत अच्छी थी, लेकिन हुआ ये कि आईओएस ने जो है वो डेटा ट्रैकिंग जो है कम्प्लीटली बंद कर दी। आईओएस का जो नया अपडेट आया था तो एप्पल ने बेसिकली वो जो जितनी भी ट्रैकिंग थी वो बंद कर दी। अब जो ट्रैकिंग करता था जिससे ये डेटा हार्वेस्ट करते थे अब वो खत्म हो गया,
अब उसको नहीं पता कि लोग क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं यूज कर रहे। और मुझे पता है, मैंने अपना जो शॉपिफाई स्टोर खोला था, जिसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आपने एडवर्ड लगाने हैं फेसबुक पर, और फिर लोग वहां से आपको देखेंगे और वहां से आपको चीजें बाय करेंगे। तो ये शॉपिफाई का स्टोर का जो पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म था कि आप एडवर्ट करें फेसबुक पर, फेसबुक से आप शॉपिफाई पर लेकर आए, वहां से आपको बाय करवाएं और फिर आगे इसे कंटिन्यू रखें। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब iOS की अपडेट आई, उसके बाद से सारा कुछ जो है वो कम्प्लीटली जो है शट डाउन हो गया, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ पर जा रहे हैं कहाँ पर नहीं जा रहे। सो मुझे लगता है कि अब दोबारा जो गूगल की अर्निंग है, इस वजह से बड़ी है कि गूगल स्टिल नोज, और गूगल अपने अपने ब्राउजर से जो है वो सारी कुछ ट्रैकिंग करता है, तो इस वजह से उसको पता है स्टिल कि लोग कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं। तो दे नो, स्टिल ट्रैक योर डेटा गूगल जो है, और वहां से आपको एडवर्ट दिखाता है और वहां से आप वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। सो ये दो इश्यूज है। उसके अलावा फेसबुक ने कोशिश की है कि मेटावर्स में आने का, और मेटावर्स के जो जिनकी कंपनी है उसने 10 बिलियन लॉसेस जो है वो शो किए हैं। 10 बिलियन लॉसेस आर ह्यूज ह्यूज अमाउंट। और अगर आप देखें तो मेटावर्स स्टार्ट जो है मेन स्ट्रीम पे लेकर आने का जो काम है वो फेसबुक ने किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो मेटावर्स के कॉइन्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि ये होल सिनेरियो जो है वो बनता जा रहा है इस तरह का। तो ये मेरे ख्याल से जो है वो ये सारी अपडेट है। बाकी आपके क्वेश्चंस, और अगर आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर मार्च में एंटर हुआ था, 70% डाउन, अभी तक प्रॉफिट नहीं बना। मुंडा दिल वाला, प्लीज बताएं कौन कौन से क्वाइंस हैं आपके पास। बट आई थिंक मुझे तो आई थिंक यू मिस दी टू बुल रन्स देन। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है, डबल होता है, तो पैसा अपना निकाल लो। मार्केट का कोई पता नहीं कब जो है वो डाउन टर्न शुरू हो जाए, तो पैसा निकालते रहो। मैंने तो यही अक्सर बात करता हूँ कि आप मून बैग्स बनाएं, मून बैग्स बनाएं। मून बैग होता क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 100 की क्रिप्टो ली थी, उसकी 6 महीने बाद या 1 महीने बाद वो 200 200 की उसकी वैल्यू हो गई है, तो आप 100 की बेच दें। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 की आपने ली थी, ठीक है, 100 की ली थी, उसमें वो 50 कॉइन लिए थे, अब वो 200 की हो गई, तो 25 कॉइन बेच दें। 25 कॉइन बेच दें तो आपको ये होगा, यार ये मेरे सेफ अमाउंट है, इसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह डबलिंग करें, उसी तरह पैसों को जो है देखें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ये चीज तो है कि पैसा जो है वो डबल हो सकता है और बड़ी तेजी से होता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि डबल करना है, ये भी एक गलत सोच है। यू नीड टू गिव देम टाइम, और जब टाइम आप देंगे तो आपको पता चलेगा। रिसर्च करें अपने प्रोजेक्ट्स के, लोगों का सुने, मेरे मेरे जैसे लोगों का सुने, लोगों से पूछें तो वो आपको बताएंगे। या फिर आई मीन टू से काफी सारे लोगों को सुने, फिर अपना डिसीजन लें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। इस तरह ना करें कि अगर मैंने कुछ कहा तो आप इन्वेस्ट कर दें, और किसी और ने कहा तो आप इन्वेस्ट कर दें, और इस तरह आप काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इसमें ऐड कर लें। क्वाइन बहुत हैं, कुछ मैं प्रॉफिट था एंटर किया और टारगेट के वेट में फिर ड्रॉप। यही चीज है, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप पैसे निकालते रहें। ग्रीड इज नॉट गुड, ग्रीड इज नॉट गुड। आपने हमेशा, मैं जैसे कि आपको कहा कि मैंने अपने 70% जो मैंने अपने पैसे लगाए थे वो निकाल लिए थे दिसंबर में, एंड नाउ आई बॉट इट अगेन, क्योंकि 33 पे मैंने जो है जाके कुछ लिया, कुछ 35 पे लिया, और अभी कुछ 37 पे भी लिया। सो मीन टू से कि आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा जो पैसा देखना है कि आपको कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, प्लीज उसको जरूर जो है कैश आउट करें। अच्छा जी, गुरबीर चौहान साहब, आपने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी यूरोप की ट्रेडिंग की बेस्ट वेबसाइट है। मैं जो है वो ट्रेडिंग 212 यूज करता हूँ। इट्स वेरी हैंडी, बहुत अच्छी है, सिंपल है, और अभी जो है नए अकाउंट यूके में नहीं खोल रहे, लेकिन यूरोप में जरूर खोल रहे हैं, तो जरूर उसको देखें। ट्रेडिंग 212 इज वेरी गुड ऐप। इसके अलावा इटोरो भी है। इटोरो मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि वो थोड़ा सा उसमें जो है ना वो पैसे आने जाने का बड़ा मसला है। सो इटोरो इज गुड, ट्रेडिंग 212 इज गुड, यहाँ पर कोई आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते, तो इट्स वेरी वेरी इजी ऐप है। सो ये दोनों ऐप आप यूज कर सकते हैं। प्लीज अबाउट एमबॉक्स, एमबॉक्स इज वेरी गुड प्रोजेक्ट, इस यूटीसी।
अच्छा जी, वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, वो ऐप ऐप ही है उनकी। अगर आप ट्रेडिंग 212 डाउनलोड करेंगे, मैं यूजली वही यूज करता हूँ, वहीं से मुझे पता चलता है कि जो स्टॉक मार्केट है ऊपर नीचे जा रही है, क्या चल रहा है। तो ब्रो बीटीसी बारे तुसी की सोच दियो। बीटीसी मैं ये सोच रहा हूँ कि NASDAQ 100 से डिपेंड कर रही है इस वक्त मार्केट पूरी दी पूरी। अगर मार्केट उत्ते जाती है स्टॉक मार्केट NASDAQ 100, तो बीटीसी भी उत्ते जाएगा, क्योंकि बीटीसी अपना जरा फुल रन है वो कंप्लीट नहीं किया। वो कंप्लीट रन उदो होंगे जो पूरी एक बड़ी वीक आती थले ठा डिगदा, वो हली नहीं होया। सो आई आई कैन सी के स्टिल देर इज सम स्पेस, और बीटीसी जो है अली भी जरा ना थोड़ी जी मार्केट स्टेबल होगी तो फिर ठीक हो जाएगा। अगर मार्केट स्टेबल नहीं होती, रिसेशन है जाने, फिर आई कांट से एनीथिंग। लेकिन मेरी जड़ी सोच है वे कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, थोड़ा थोड़ा बाय कर दे रहो, और बाकी फिर जो भी है। अच्छा जी, अच्छा गुरबीर साहब, जरा ऐप नु सही सीखने वास्ते कोई कोर्स, जरा ट्रेडिंग 212 दा पूरा चैनल है जरा ना यूट्यूब ते, वो सारे इंडिकेटर्स भी तुहानू दसदे ने, सारा कुछ और इंडिकेटर्स भी तुहानू दसदे ने, फिर दसदे ने किवें यूज करना है सारा कुछ। कोर्स बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज है, यूट्यूब इज द बेस्ट रिसोर्स। ठीक है, कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब तो सीखो, थोड़ा टाइम कढ़ना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो अगर निकालते हो, टाइम पे बैठते हो, तो फिर जो है ना तो उसको देखो यार। देखो नाउ हॉक शोज $10, आपने कॉइन्स तो ठीक ही बाय किए हैं, लाइक जो आप कह रहे हैं आईसीपी डेंट, आईसीपी तो बहुत बुरा गिरा है, लेकिन आई मीन के लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। सोलाना इज गुड, सोलाना वीआर इज वेरी गुड, बैक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन बैक्स जैसे लाइक इज गुड, बाकी लिंक इज गुड। कॉइन्स तो सारे कुछ अच्छे हैं, कुछ आपने जो है वो रिस्क लिया, तो आई थिंक इट इज फाइन, थोड़ा सा बंदा रिस्क भी लेता है। बाई बीटीसी की इंफॉर्मेशन शेयर कर दो। भाई मैंने अभी बताया है कि जो बीटीसी के हैं वो NASDAQ 100 पे डिपेंड कर रहा, मेरा ये अपना जाती ख्याल है। अगर NASDAQ ऊपर जाता है तो वी विल गो अप, अगर नहीं जाता तो फिर वी विल कंसोलिडेट, उसके साथ ही हम चलेंगे। वो जितना ऊपर जाता है हम उसके साथ ऊपर जाएंगे, जितना वो नीचे आएगा। तो आई थिंक मोस्टली यू नीड टू सी ऑन NASDAQ 100 व्हाट NASDAQ इज डूइंग। लेकिन अभी जो बड़ी न्यूज़ है वो कोई नहीं आ रही बीटीसी के बारे में। लेकिन अगर बड़ी न्यूज़ आ भी रही है तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं इसका पड़ रहा, वो उसी तरह जो है वो चल रही है। अच्छा जी, आगे जी मैं तो हार्डी वीडियो देखी, ग्रेस ने जानते तुसी कार्डानो के बारे में बताओ कुछ। कार्डानो इज गुड, कार्डानो जो है वो अच्छा, कार्डानो इज गुड। कार्डानो का अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक अगर कीप बाइंग लिटिल बाय लिटिल, दैट इज अ गुड प्रोजेक्ट। और लेकिन इसको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, तो अभी उनके इतने डेवलपर्स नहीं है, तो जैसे डेवलपर ज्यादा हो जाएंगे लोगों का इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा, डेवलपर्स का स्पेशली। क्योंकि अभी भी आप देखें तो डेवलपर्स का जहां भी इंटरेस्ट है वहां पर जो है आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ग्रोथ है। फैंटम ले लें, फैंटम में बहुत ज्यादा ग्रोथ है इस वक्त, एवेक्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इथेरियम में बहुत ज्यादा ग्रोथ है डेवलपर्स की। डेवलपर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं कुछ चीजें उसमें, तो जैसे ही कार्डानो की जो लैंग्वेज है वो लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी, उस पर काम करना होना शुरू हो जाएगा, देन यू विल सी लाइक कार्डानो इज गोना डू वेरी वेरी गुड। भाई आपने आईसीपी बहुत बहुत हाई पे बाय किया, यही मैं कहता हूँ कि आप जब कोई आईसीपी हो, जब कोई कॉइन ऑफर हो रहा हो, कभी भी पहले दिन ना बाय करो, कभी भी पहले दिन ना बाय करो, बल्कि उसका 1 महीने बाद जाके बाय करो। क्यों? क्योंकि उसने नीचे आना ही होता है। लोग हाइप में खरीदते हैं कि मैं अभी बाय करूंगा, और फिर 5 मिनट बाद जो है उसको डबल में बेच के मैं जल्दी जल्दी जो है अपने पैसे निकालूंगा, लेकिन उसमें होता ही है कि वो नीचे आना शुरू हो जाता है। जब नीचे आना शुरू हो जाता है तो इंसान कहता है अच्छा यार ये अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाता नहीं है और नीचे आ जाता। तो आप डाओ के भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, डाओ मेकर के आप जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको देख लें, सब के सब पहले दिन जो है वो 360 100x किए हैं या
50x की है, लेकिन उसके बाद जो है वो नीचे आए हैं और काफी ज्यादा नीचे आए हैं। तो हॉक इज अ बिग स्कैम आई थिंक, मे बी इट इज YF Ticoin was 30K and now 210K. Kindly check this coin. Have any chance to go up? ये बाद में मैं देखूंगा, आप कुछ बता दो कौन से कॉइन्स अभी बाय करें। यार मैंने 15 कॉइन की लिस्ट दी है, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। मैंने जो बाय किए थे, मैं भी खोल लेता हूँ, शायद मेरे पास हो इधर, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉइन जो हम, क्योंकि अभी अगर आप बड़े कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करते हैं तो बेटर है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े जो कॉइन्स हैं वो फिर भी जो है वो सरवाइव करेंगे बेयर मार्केट को। अगर आप छोटे कॉइन्स बाय करते हैं तो वो फिर जो है वो नहीं जा सकेंगे ऊपर और फिर आपको ट्रबल करेंगे। तो कॉइन्स अगर आपने नोट करने हैं तो नोट कर लो। नंबर वन इज इथेरियम, फिर नंबर टू BNB, सोलाना, AVAX, टेरा लूना, मैटिक, फैंटम, एडा, पोल्काडॉट और हार्मनी। ये 10 कॉइन्स हैं जिनको लाजमी लाएं। बाकी क्रो, CRO, FTX, KCS, एल्गो, XLM, ये 5 एक्स्ट्रा हैं जो अगर आप बाय कर सकते हैं। ये 15 कॉइन अगर आप बाय करोगे दे विल सर्वाइव द बेयर मार्केट, अगर बेयर मार्केट आती है। अगर तुम बाय नहीं करते तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर आप QNT या छोटे कॉइन्स जो कि रिस्की कॉइन है या टिकटॉक के कॉइन्स हैं, अगर आप वो लेते हो तो आई थिंक यू विल बी इन ट्रबल। मैं इसलिए कहता हूँ कि इन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, सोलाना पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, AVAX पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इवन दो सिया कॉइन एंड वीनस मुझे नहीं इनका पता। क्रो प्रेडिक्शन है कोई नेक्स्ट 2 मंथ्स तक कोई, ये सारा क्रो जो है वो सारा डिपेंड कर रहा है BTC पे, BTC डिपेंड कर रहा है स्टॉक मार्केट पे। सो इट इज लाइक काइंड ऑफ अ लिंक्ड। VRA कॉइन इज वेरी गुड, इज वेरी गुड, आई हैव इट और मैंने बहुत पहले बाय किया था और आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉइन, वेरी वेरी सॉलिड कॉइन, और इनकी जो पीछे टीम है वो बड़ी, बहुत बड़ी टीम है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनी मीम कॉइन्स, शिप बिट्स? हाँ, मीम कॉइन्स में मैंने नहीं बताया, मीम कॉइन्स सिर्फ और सिर्फ 2 मीम्स कॉइन्स मैं उस पे जो है बेट कर रहा हूँ, नंबर 1 शिब एंड नंबर 2 डोज कॉइन। दो दो शिब और डोज ही 2 कॉइन्स हैं जो कि मेरे ख्याल मीम कॉइन्स में आगे जाएंगे। साइटामा इनो आई डोंट नो, मुझे, मैंने इसका पढ़ा नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट पीपल आर सेइंग अबाउट इट, बट मेरे ख्याल से ये दो दो जो मीम कॉइन्स में सिर्फ 2 कॉइन्स हैं ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि ये 2 कॉइन्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि डोज कॉइन के पीछे इलोन मस्क है। ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन और अपनी एक ट्वीट से वो लोगों को जो है ना वो ऊपर नीचे कर सकता है। तो डोज कॉइन के पीछे वो लगा हुआ है, वो मैकडोनल्ड्स को भी कह रहा है, वो जहां जहां उसकी आवाज यानी कि पहुंच सकता है वो कह रहा है। लेकिन जो शिबा है, शिबा के पीछे अगर आप देखें, शिबा शिब मुझे क्यों पसंद है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसके पीछे जो बंदे हैं या जो टीम है वो बड़े क्लेवर है। जिस तरह उन्होंने विटालिक को अपना हाफ ऑफ द टोकन दे दिए थे और फिर उस पर पूरी मार्केटिंग कैंपेन की कि जी विटालिक बुटरिन जो है वो ओन करता है शिबा का, और फिर उसके बाद उन्होंने काफी सारी दूसरी चीजें की, तो मुझे लगता है। और फिर उस तरह जिस तरह उनकी जो जो कॉइन बर्न हो रहे हैं और ये सारी चीजें जो है वो एक अच्छी चीज है, और टीम उनके पीछे बिहाइंड बिहाइंड शिप जो है टीम अच्छी है, तो मेरे ख्याल से दे आर डूइंग वेरी गुड। और UMA का बता दें, UMA कौन सा है? UMA और आपने परचेज स्पेल का, स्पेल आई ओन सम और VVS भी आई ओन सम, डोज इलोन नहीं है मेरे पास, लेकिन आई थिंक डोज इलोन इज काइंड ऑफ लाइक गुड कॉइन, नॉट टू गुड, लाइक इस तरह का है। दो 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 पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, डोज पे और शिप पे, उसके अलावा मैं किसी मीम कॉइन पे नहीं रिस्क कर रहा। VVS फाइनेंस आई हैव इट, मैंने 143 का था, अब 43 का रह गया। सो आई थिंक अगेन यू नीड टू गिव देम टाइम। ये जो है वो क्रो मेन क्रो का जो क्रोनास मेन नेट है वहां पर काइंड ऑफ अ पैनकेक स्वैप,
अगर क्रोनोस जो उनका नेटवर्क है अगर वो ग्रो होता है तो वीवीएस हैज अ वेरी गुड क्या कहते हैं मेरे हैज गुड अपॉर्चुनिटी है। और अभी जो है वो एपीआर काफी ज्यादा थी तो इसलिए मैं भी जंप इन किया, लेकिन आई थिंक आई वेंट टू अर्ली। इट इज गुड आइडिया टू डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट टू मेनी कॉइन्स और इन्वेस्ट इन अ फ्यू कॉइन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इस तरह होनी चाहिए कि आपका 90% जो है गुड फंडामेंटल गुड फंडामेंटली गुड कॉइन्स में होना चाहिए। 10% जो है वो आप रिस्क ले सकते हैं, मीम कॉइन्स में डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो जो क्या कहते हैं उसको अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ट्रबल कम देंगे। अगर आप अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। शिप प्रेडिक्शन कोई बाजी शिप की कोई प्रेडिक्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाउ अबाउट एटलस कॉइन? एटलस यार केम वेरी वेरी क्या कहते हैं उसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई इतना खास उसमें जो है ना वो मुझे मुझे लगता है कि गेम भी अब लॉन्च हो चुकी है लेकिन शायद इट विल टेक सम टाइम टू डू हिज इट्स मैजिक। हो सकता है एक्सी इन्फिनिटी बने लेकिन यू नीड टू जस्ट काम डाउन क्योंकि ये गेमिंग है, गेम का कोई पता नहीं होता कि कब इट विल गेट अ बूस्ट। और मेटावर्स भी है तो सारा कुछ जो है ना वो सब कुछ अच्छा। कॉइन आर वी आर गुड इनफ 20,000 आई थिंक इज गुड इनफ। यस आई थिंक इज गुड इनफ। इट विल गिव यू लाइक आई थिंक माई प्रोडिक्शन इज $1 इफ इफ इन अगर कंटिन्यू रहता है बुल रन तो मुझे लगता है कि इसमें है इतनी कैपेसिटी। अगर मैं देखूं वीआरए का अगर अभी जो करंट मार्केट कैप है क्योंकि मार्केट कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इट मीन्स इट हैज सो मच ग्रोथ। ठीक है तो इट हैज सो मच ग्रोथ अभी 1 सेंट पे है या 2 सेंट पे है तो इट हैज अ ग्रेट ग्रोथ। लेकिन यू नीड टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर लाइक भूल जाए लेके वॉलेट में रख के सो जाए या जहां भी है। आई थिंक दैट विल डू वेरी गुड। ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी का मैंने नहीं पता। ONT आई थिंक इज दैट इज अ टोकन लेकिन सम लाइक जो लगता है कि इट्स अ गुड कॉइन इट्स फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग कॉइन लेकिन मुझे इतना उसका पता नहीं है। थैंक यू सर वेलकम। अच्छा जी वेरी इंफॉर्मेटिव सर। NXS AMP रेंडर रेंडर इज गुड AMP इज गुड आई थिंक UMA एंड ऑल्सो NXS ये नहीं मुझे पता ये कौन सा है। एम्प इज गुड रेंडर इज गुड। रेंडर जो है वो बेसिकली रेंडर करेगा मेटावर्स को तो और इनकी इनका मेथड ये है कि हमने पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी उनकी ग्राफिक्स कार्ड की जो कंजप्शन है वो करवानी है। और दैट्स अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट रेंडर के पास जाना इट्स वेरी गुड रेंडर आई लाइक लेकिन मैंने बाय नहीं किया हुआ। आई नीड टू बाय और इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी इसको बाय करने के लेकिन आई कुडंट बाय इट। डोंट इन्वेस्ट मोर देन 50 to 20 कॉइन्स। एटलस UFO ड्रॉप अ लॉट। यस दे ड्रॉप अ लॉट। बेयर मार्केट आती तो एवरीथिंग ड्रॉप्स। जो जो बड़ा कॉइन है वो 100% गिरता है और जो छोटे कॉइन है वो 200 से 300% गिर जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग बट लेकिन यू नो यू नीड टू टेक रिस्क। जैसे ही बड़े कॉइन्स बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप सोलाना को ही ले लो तो सोलाना जो है वो 235 पे था अभी वो 90 पे है तो यू कैन डू द मैथ काफी ज्यादा गिरा है। यूनिवर्स जम जस्ट। अच्छा जी थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग समबडी सेंड मी अ गिफ्ट सो आई डोंट नो इट्स अ गिफ्ट और व्हाट बट थैंक यू वेरी मच। बाय ब्लॉक टॉपियो का बी पैड लॉन्च है वर्थ है क्या लेना? अच्छा ये मुझे नहीं पता। आई विल डू सम रिसर्च एंड डू सम वीडियो ऑन इट कि ब्लॉक टोपिया इज गुड प्रोजेक्ट मुझे। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ये लॉन्च पैड पे आया था तो काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे जैसे उनको मिलता जाता है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो
it is going down, but I think own cars is a very good project. बट अगेन एक चीज जो नैरेटिव है वो चेंज होता रहता है. एक नैरेटिव आता है, फिर अगले अगले रन में वो नैरेटिव नहीं चलता. फॉर एग्जांपल डीफाई का एक एक नैरेटिव आया था, और जो है वो उसके बाद हमने जो है वो मेटावर्स का देखा. अब आगे वेब 3.0 आ रहा है, उसके लिए जो है वो तैयारी करें कि कौन कौन से कॉइन्स हैं जो कि आप ले सकते हैं इस वेब 3.0 में, क्योंकि आगे जाके जो है वो गेम जो है वो सारी की सारी चेंज हो रही है. आपका डेटा जो है, आपकी पिक्चर जो है, वो आपका एसेट्स हैं, और वो एसेट्स जो है जब तक आप बेचेंगे तभी जो है लोग जो है वो उसको यूज कर सकते हैं, इसके अलावा वो आपको यूज नहीं कर सकते. इसलिए जो फेसबुक का मेथड है, फेसबुक जो है स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उनके पास उतना डाटा अब नहीं है जितना पहले होता था. फिडा मास्क बिकॉड बैड पे वीडियो प्लीज. अच्छा मैं लिख देता हूँ बिको. आई थिंक बिको जो अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने इसको देखा था. डोज डोज अपडेट चिलीज इज वेरी गुड. फ्लक्स आई हैव नो आइडिया फ्लक्स, क्योंकि ये जितने भी टिकटॉक पे फ्लक्स आ रहा होता है तो फिर मैं आई डोंट बाय. वेट इज गुड प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म होल्ड. डोडो आई हैव नो आइडिया. तो चिलीज और वेट आर गुड. फ्लक्स अगेन ये क्रिप्टोमेशन क्लब जो है वो उसको कर रहा है काफी ज्यादा, और उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं सब के सब जो है वो बाद में लोग परेशान ही हुए, क्योंकि VXV उन्होंने दिया, QNT उन्होंने दिया, और QNT उन्होंने दिया, VXV, फिर उसके अलावा फ्लक्स पे भी ये काफी सारा बात कर रहे हैं. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, ये आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप किसी चीज में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो टिकटॉक पर ना जाए. टिकटॉक समटाइम्स आपको आपको बाय करवाता है बड़ी हाई प्राइस पे, और फिर जो है वो बहुत बुरा गिरता है. तो टिकटॉक पे आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर लोग कह रहे हैं और खुद रिसर्च करेंगे तब जाके जो है वो आप बाय करें. तो फ्लक्स इज नॉट गुड, चिलीज इज वेरी गुड. आई हर्ड के चिलीज के बारे में जो जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे, क्योंकि सारे जितने भी फुटबॉल क्लब हैं अपनी सारी NFTs, अपने सारे लाइव शोज वो सारे चिलीज नेटवर्क पर आ रहे हैं और आएंगे आगे. तो इट्स लुक्स वेरी गुड. वी आर ऑल्सो इन दैट स्पोर्ट्स. वो ज्यादातर ई स्पोर्ट्स में है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में है, सो उनका जो है वो और चीज है. लेकिन दोनों चिलीज और VRA जो है वो काइंड ऑफ सेम कैटेगरी. बिकॉज अ वेब 3.0 एंड UAE पर्सन इज बिहाइंड इट. UAE यार बड़ा हब है इस वक्त. सो बिको बिको आई हर्ड इट, क्योंकि मैंने इसको इसका लॉन्च पैड हुआ था हुआबी पे, और हुआबी जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, और जो प्रोजेक्ट वो लेकर आते हैं दे आर यूजली डू वेरी वेरी वेल. एपिक प्राइम जो है वो वहां पर रिलीज हुआ था, लेकिन मैं यूजली डोंट बाय जब रिलीज होते हैं क्योंकि उसके बाद दे ड्रॉप मैसिवली, और जब ड्रॉप हो तो तब बाय करें, जब रिलीज हो तो डोंट बाय इट. या बिकॉज नो टैक्स इन UAE. यस. हाउ डू यू हैव सो मच नॉलेज इन क्रिप्टो सर? यार आई डू लिटरली, लाइक आई वॉच सो मेनी वीडियोज, आई वॉच सो मेनी टिकटॉक्स, आई वॉच सो मच ट्विटर. कंप्यूटर पे बैठा होता हूँ तो सारा दिन मेरे कानों में कोई ना कोई जो है वो चल रहा होता है. फिर मैं देख रहा होता हूँ कि मार्केट किस तरफ आ रही है, BTC की प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है. तो फॉर दैट आई थिंक आई अक्वायर आर नॉलेज, जो कि मुझे समझ आती है कि शायद मुझे अब थोड़ा बहुत इस चीज का पता है, इसलिए जो नॉलेज मुझे मिलता है मैं कन्वे कर देता हूँ. लेकिन मैं हमेशा ये नहीं कहता कि मैं 100% हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसकी मुझे थोड़ी सी समझ है. और क्योंकि मेरी टेक्नो मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मैं और इन्जॉय करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर है. ये बहुत बड़ी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है और लोग इसको अभी तक समझ नहीं रहे. बाय फेब एंड कैसा होगा? आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड वन. और बाकी एलुवियम इज वेरी गुड. एवरीपीडिया IQ LRC ऑल्सो वेरी गुड. IQ आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं पता.
क्वार्क चेन क्यूब, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, इट माइट बी न्यू वन, सो आई एम नॉट श्योर कि ये नहीं है. इट इज अ वेरी न्यू वन. मैं अभी बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी जो है बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 50% डाउन है. अभी आप छोटे कॉइन्स पे जो है वो ओनली 10% जो है इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा ना करें. फॉर एग्जाम्पल, अच्छे कॉइन्स जो आपको लगते हैं कि आगे जाके बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, स्पेशली वो कॉइन्स जो आपने आपने जो है वो लॉन्च पैड्स पे देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा गोल्ड फीवर. गोल्ड फीवर एक गेम है और उसकी बहुत बड़ी हाइप थी और उसने तकरीबन 100x किया, लेकिन अभी उसकी प्राइस पिटी हुई है. सो राइट नाउ इट इज टाइम टू बाय. जब वो रिलीज होते हैं, डोंट बाय इट. जब वो नीचे गिरते हैं, जब लोग उसे प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, तब यू नीड टू बाय. ये एक ट्रिक है. अगर आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज द टिप फॉर यू, दिस इज द टिप फॉर यू. आप जाएं डॉ मेकर पर, dawmaker.com, ठीक है, वहां पर देखें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने लॉन्च किए हैं. उन प्रोजेक्ट्स में से जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा उन्होंने एक्सेस किए हैं, लाइक 50x किए हैं, 60x किए हैं, उनको सर्च करें कॉइन मार्केट कैप पे. उनके ग्राफ देखें, जो आपको लगता है कि बॉटम पे है, जो बहुत पिटे हुए हैं, बाय देम यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि दे विल गो अप. इट विल टेक सम टाइम, बट दीज विल बी वेरी वेरी गुड बेट्स. आई एम गोना डू अ वीडियो ऑन इट ऑन यूट्यूब कि आप किस तरह जो है, ये एक और वेबसाइट भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट है. इनके जितने भी लॉन्च पैड हैं, अगर आप उनके कॉइन्स जो पिटे होते हैं, जब वो बहुत नीचे आते हैं, इफ यू बाय देम यू कैन मेक वेरी गुड मनी. एपिक प्राइम जो है, जब रिलीज हुआ था तो मैंने लिया, थोड़ा सा लिया और वो नीचे गिर गया. लेकिन जब वो बहुत नीचे 10 सेंट पे आया था, तो मैंने काफी सारा बाय किया, एंड इट वेंट टू 60 सेंट्स. सो 5x इन सम डेज, यू नो. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत ज्यादा हाइप में है, तो डेफिनेटली इट विल डू वेरी गुड. तो आपको देखना सिर्फ ये है. तो dawmaker.com पे जाएं, देखें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो रिटर्न दिया है, उनको सर्च करें, उनकी उनको अगर देखें, अगर आपको लगता है को वो 90% या 100% गिरे हुए हैं, तो देन बाय इट. और अभी टाइम है बाय करने का, अभी टाइम है होल्ड करने का. एच बार यार, अगेन एच बार इस क्रिप्टो मेसन प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके, उसने जो है वो अरे भाई आए हैं जी. हु इज क्या दिस? बोल रहे ओके, आई थिंक वो किसी गलत गलत लाइफ में आ गए. योर थॉट्स, हबल प्रो प्रो प्रोटोकॉल, हबल प्रोटोकॉल भी आ गया. हबल प्रोटोकॉल जो है वो हबल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसका. डोंट इन्वेस्ट इन मीम कॉइन राइट नाउ, यू विल रिग्रेट. ओनली टू कॉइन्स, मीम कॉइन्स, डॉज और चिप, दैट्स इट. बैक्स बैक्स एंड डीम बाई का कॉइन है, एंड आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन बैक्स. और काफी सारे लोग कह रहे थे कि ये इट विल गो अप एंड अप एंड, लेकिन ये है पंप एंड डंप कॉइन, सिंपली इज दैट. जो लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, इट पंप्ड अ लॉट एंड देन द डंप्ड ऑन अस. इट्स नॉट मीम कॉइन. हबल, मैं अभी मुझे नहीं पता हबल क्या चीज है. सनशाइन, डी हबल, हबल प्रोटोकॉल. अच्छा जी, देखते हैं क्या है. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कॉइन, इसकी कोई मार्केट कैप नहीं है. आई थिंक इट्स ऑन सोलाना. सो या आई थिंक सुपर चार्ज योर लिक्विडिटी ऑन सोलाना. हबल योर मनी वर्क्स फॉर यू मैक्सिमम. अच्छा, ये अच्छा, सही सही सही. ओके, एंड सिम्बियोसिस फाइनेंस,
वाई डॉट डॉट आई बॉट इट डॉट जो है वो लोग टिकटॉक पे नदीम को सुन के बैग्स बाय करते रहे। हाँ वो करते हैं, उसको काफी ज्यादा हाइप किया है मैंने, और मेरे मुझे नहीं लगता बैग्स इज डॉट मैंने बाय किया है। डॉट आई थिंक डॉट की जो पैरा चेन्स है ना वो भी एक ऐसी चीज है जो कि आपको मीन के कंप्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल है। डॉट इज बेसिकली क्या है, इस सब काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन ऑल द नेटवर्क्स जो भी आगे आएंगे, सो उनके उनके दरमियान ट्रांजेक्शन जो भी होंगी वो फाइनलाइज करेगा। डॉट इज दैट प्रोजेक्ट। सो डॉट पे जितनी भी पैरा चेन्स हैं, पैरा चेन्स में मून बीम है, मून बीम और एंजन है, और काफी सारे जो जो प्रोजेक्ट्स हैं सीआरवी, ये सारे जो हैं बेसिकली डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को जो है उनकी ट्रांजैक्शन, अगर आपने एथेरियम लेना है और उसको बेच के आपने उसका जो है क्या कहते हैं बीटीसी लेना है, या आपने बीएससी लेना है, बीएनबी लेना है, तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो डॉट जो है फाइनलाइज करेगा इन बिटवीन। सो डॉट इज दैट इज वाई इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। लिंक इज एन ऑरेकल। तो लिंक क्या है, लिंक बेसिकली आपको जो रियल वर्ल्ड डेटा है वो लेकर देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। सो लिंक इज नॉट गोइंग एनीवेयर, लेकिन लिंक के बारे में कहा जा रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड है, इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। सो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड कॉइन, क्योंकि इसके जितने भी होल्डर्स हैं वो सारे बड़े बड़े जो हैं वो उनके जो वीसीज हैं। सो इस वजह से लिंक को शायद इस वजह से नहीं आगे जा रहा क्योंकि इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड कॉइन, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप देखें कि रियल वर्ल्ड में क्या चीज़ है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चाहिए, वो चाहिए डॉलर का रेट, चाहिए पाउंड का रेट चाहिए, ठीक है, फिर उसके अलावा बाकी जितने भी करेंसीज हैं उनके लाइव रेट्स चाहिए ताकि जो फाइनलाइज ट्रांजेक्शन हों वो उसकी जो वैल्यू हो वो ठीक हो, ठीक है। तो ये लिंक का काम यह है कि वो प्रोवाइड करना सारा जो लाइव डेटा है किसी भी चीज का, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, ब्लॉकचेन्स को। सो दैट इज व्हाट लिंक इज। थैंक यू जी, आई एम अ बिग फैन फ्रॉम निपोल सर, थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक फॉर नाउ यू नीड टू सी स्टॉक मार्केट वो क्या कर रही है, एंड देन यू मेक डिसीजंस। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। आई हैव लाइक हाफ एन आवर, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। एवरी थर्सडे जो है वो वी विल बी लाइव, और यूट्यूब पर भी जो है वो काफ़ी सारे ट्रिक्स और जो है चीज़ें मैं आपको अब रेगुलरली शेयर किया करूँगा। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे, काफ़ी सारे जो टिकटॉकर्स हैं उनसे हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे और इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि अपने नॉलेज को और एक्सटेंड करते रहें। तो अपना नॉलेज एक्सटेंड करते रहें, लोगों को सुने, लोगों को सुनेंगे, थैंक यू वेरी मच, लोगों को सुने और फिर उस लिहाज से जो है अपना माइंड बनाएं, इसको स्टडी करें, यू विल नॉट रिग्रेट इट। थोड़ा सा टाइम अपने आप को जरूर दें। तो बाकी फिर आपको नेक्स्ट वीक जो है वो आपसे बात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन टिकटॉक एज वेल विद वीडियोज। और बाकी ये मैंने नोट कर लिया कि कौन कौन सी वीडियोज करनी है। वेब 3.0 के कॉइन्स हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे यूट्यूब पर भी और यहाँ पर भी। तो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।